फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी क्वेश्चन नंबर 43 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वही अपना पुराना लेसन, दिस इज जॉर्डिस फोन। ठीक है, इसी को आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यह लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। लेसन में से दिया गया पैसेज को पढ़िए। ही वॉज अफेयर्ड, वो डरा, दैट इट माइट किक एंड ब्लीड इट्स लाइट, कहीं ऐसा ना हो कि वो उसको मारी, है ना, एंड स्मेल ऑफ इट मदर, और कहीं वो ये दी उसे ये याद ना आ जाए कि भाई हमने इसे ही मारा, या हमें हमारी खुशबू को वो पहचान ले। ही स्ट्रिक्ट द क्लीनिंग एंड पोशिंग हिज वे इन टू द ट्रिक, यानी कि जो रास्ते में चीज़ें थी उसने उन सबको साफ करा, आगे बढ़ा। इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, यानी उसका जो बोझ था उसके बोझ को उठाने से, उससे लड़ने से, मतलब एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि उस बर्डन को उठाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। द फोन लैग्स, जो फोन के लैग्स थे, कैच इन द बुशेस एंड ही कुड नॉट लेफ्ट इज ओन विद फ्रीडम। ठीक है, कहते हैं उसकी टांगें जो थी वो लंबी लंबी थी, जो झाड़ियों में फंस रही थी, इसीलिए वो फ्रीली नहीं चल पा रहा था। ही ट्राई टू शेल्ड इट फेस फ्रॉम पिकलिंग वीनस, अब वो चाह रहा था कि उसके चेहरे को छुपा सके। इट्स हैड बॉब्ड विद हिज ट्रिक, ठीक है, उसका सर भी बार बार खिसके जा रहा था। हिज हार्ट हम्पटेड, उसका दिल बहुत तेज तेज धड़क रहा था। विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सटेंशंस ऑफ हिम, He reached the trail and walked as fast as he could until he came to there in to the intersection with the road the home। कहते हैं वो उतनी देर तक दौड़ दौड़ के जाता रहा जब तक कि वो उस रोड पे नहीं पहुंच गया जहां से उसका घर है, नहीं जंगल से वो बाहर ना निकल गया। He stopped to rest, वो रुका, उसने आराम किया, and set phone, और set को phone को नीचे उतारा on the ड्रिल डैंगलिंग लेग्स, उसकी लंबी लंबी लेग्स जो थी, इट वेव्ड ऑन देम, जो कि काँप रही थी। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लेटेड, उसने देखा उसे और वो मतलब रोने लगा इस तरह से। आगे बोलते ही सैड, उसने सोचा, उसने कहा, इन चेंज्ड आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं तुम्हें तब तक की उठा के ले जाऊँगा जब तक कि मेरी सांसें चल रही है। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग दैट अ फोन would follow if it had first been carried, उन्होंने बोला था कि जो फोन है वो तुम्हें फॉलो करेगा जब तुम उसे एक बार उठा लोगे। He started away slowly, उसने धीरे धीरे चलना शुरू करा। The phone started after him, और फोन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। He came back to it and stroked it and walked away again, और वो उसके साथ साथ आया, रुका, फिर चलने लगा। It took a few whopping steps toward him and carried briskly. उसके बाद उसे कुछ steps चले और उसे दोबारा से उठा लिया। It was willing to follow him. वो धीरे धीरे उसे follow कर रहा था। It belonged to him. उसके पीछे पीछे चल रहा था। It was his own. जैसे कि वो मान लो खुद ही हो। He was lighted-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run, to roam with it, दौड़ता भागता वो आ रहा था, to call to it to come to him, ठीक है, वो सब उसके साथ साथ चल रहा था, जैसे वो चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, उसके बुलाने पे आ रहा था। He dared not alarm it, है ना, उसने कोई अलार्म नहीं लगाया बिना आवाज़ के। He picked it up and carried it in front of him over His two arms, उसने अपनी आगे की बाहों में उसे उठाया। It seemed to him that he walked out effort, और वो उतनी देर तक उसे ले चला जब तक वो चल सकता था। Now complete the following sentences using the hint given bracket. तो कहते हैं ब्रैकेट में जो हिंट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको करना है। तो यहाँ देखिए लिखा है Try to shade it face from the pickling Venus. तो कौन कर रहा था, किसके फेस को ढकने का, जॉडी, है ना, जॉडी ये कर रहा था। अब यहाँ लिखा है waved on them, looked at him and blended. तो यहाँ क्या आ जाएगा पहले में, देखिए इसमें आएगा आपका जॉडी, ठीक है, और इसमें आएगा फोन, ठीक। आगे लिखते हैं it looked a few step toward him and carried. तो देखिए पहले वाले में आएगा wobbly, दूसरे वाले में आएगा pitifully, ठीक है, इसमें wobbly और इसमें pitifully, ठीक। अब यहाँ के देखिएगा ही रिमेंबर हिज, तो क्या जाएगा फादर, सेज दैट फोन
बोलते हैं कि उसे याद आ गया था कि उनके उनके पापा ने कहा था कि जो फोन है वो तुम्हारा पीछा करेगा, तुम्हें फॉलो कर लेगा। लिखा रीड द स्टोरी गिव इन ब्लो, नीचे दी गई स्टोरी को पढ़िए एंड देन राइट योर ओन स्टोरी, इमेजिन यू और अपनी इमेजिन करके एक स्टोरी लिखिए, सेव एंड इंजर्ड बर्ड और एनिमल, जिसमें आप किसी जानवर को या चिड़िया को बचाएंगे, ठीक है। यू मे यूज़ द वर्ड फ्रॉम द बॉक्स, आप नीचे जो बॉक्स में वर्ड दिए गए हैं वो भी लिख सकते हैं, मतलब उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है सेविंग एन इंजर्ड एनिमल, जैसे यहाँ पे एक आपको स्टोरी दी भी गई है कि कैसे इंजर्ड एनिमल को आप बचाते हैं। या लिखते हैं व्हेन आई वॉज गोइंग होम, मैं घर जा रहा था फ्रॉम स्कूल, स्कूल से आई स्वे मैंने देखा आई स्मॉल इंजर्ड पपी ऑन द रोड साइड, एक छोटा सा डॉगी का बेबी यानी कुत्ते का जो बच्चा होता है वो रोड साइड पड़ा हुआ था, इंजर्ड था, घायल था। आई वेंट एंड बेट डाउन एंड इंटरस्पेक्टेड द डॉग, ठीक है, मैंने क्या करा, मैं रुका, मैंने देखा वहाँ कोई बड़े बड़े जो डॉग्स थे उनके द्वारा वो खेला गया था। इट वॉज बिटन बाय सम अदर एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के द्वारा उसे काटा भी गया था। आई इमिडिएटली, मैंने आई गिव इट फर्स्ट एड, मैंने सबसे पहले उसे फर्स्ट एड दिया एंड देन टुक द पपी टू द वीट, और उसके बाद फिर मैं पपी को उठा के लेके आया। द डॉक्टर एग्जामिन एंड क्लीन द वॉन्डेड, जो उसके ज़ख्म थे डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया और साफ़ किया। एंड गेव सम मेडिसिन, और डॉक्टर ने उसे कुछ मेडिसिन दे दी। आई टुक द डॉग टू माई होम, मैं उसके बाद उस कुत्ते को अपने घर लेके गया। एंड गेव सम मिल्क टू ड्रिंक, और कुछ दूध उसे पीने के लिए दिया। आई मेड अ प्लेस फॉर द डॉग टू स्लीप, और मैंने उसके सोने के लिए एक जगह बनाई। द नेक्स्ट डे आई आस्क फॉर माई पेरेंट्स परमिशन टू कीप द पपी एज माई पेट, फिर मैंने अगले दिन अपने पेरेंट्स से पूछा, परमिशन ली कि क्या मैं इस पपी को एज अ पैट रख सकता हूँ। दे एग्रीड, वो मान गए। आई वॉज रियली हैप्पी, मैं बहुत खुश था दैट आई कुड रीयूज द पपी, मैंने उस पपी को रेस्क्यू किया, बचाया एंड कीप इट एज माई पैट, और उसको अपने पास अपने पालतू के रूप में रख लिया, ठीक है। तो अब इसी तरह से सेम आपको एक स्टोरी बनानी है, इसके लिए भी आप यहाँ से वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो हम एक जर्नल से स्टोरी देख लेते हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप उसे लिखिएगा, अदरवाइज आप एक अपनी स्टोरी खुद से लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए आंसर देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। इसका आंसर इस तरह से स्टोरी बना सकते हैं कि भाई आई वॉज अप्रोचिंग माई हाउस, जैसे मैं अपने घर पहुँचने वाला था, वैन अ स्मॉल बर्ड फेल आउट ऑफ इस नेस्ट, वो एक छोटी सी चिड़िया अपने घोंसले से बाहर आके गिरी, एंड लैंड इट राइट माई फीट, बिल्कुल मेरे पैरों के पास आके गिरी। द बर्ड लैंडिंग ऑन द हार्ड एंड रफ रोड विथ द सॉफ्ट स्टम्प, अब वो क्या कर रही थी बेचारी, खुरदुरी और सख्त रोड पर बेचारी लम्प कर रही थी, गिल गोल गोल, है ना। आई अट्रैप साइड स्टेप एंड बैंड डाउन इन टू इंसेप्ट द बर्ड, मैं रुका, मैंने उसको जो चिड़िया है उसे उठाया। द ओल वॉज इंजर्ड, वो एक चिड़िया जो थी वो ओल था, बेबी ओल, वो इंजर्ड था, घायल था, ठीक है। एंड ही नीडिड केयर्स इमिडिएटली, और उसे तुरंत केयर की ज़रूरत थी। द फ्रेजल क्रिएचर ले अनमूविंग इन द पाम आई एज आई कैरीड इट बैक टू माई हाउस, अब वो मेरी हथेली पर था और मैं उसे अपने घर ले गया। आफ्टर वैपिंग द बेबी ओल वॉन्डेड, फिर मैं उसे पहले सलाया, वैपिंग करा, धोया उसे, है ना, उसके बाद फिर मैंने उसकी मरम पट्टी करी। आई प्रोसीड टू फीड द आउल, फिर मैंने उसे कुछ खाने को दिया। व्हेन आई थॉट, जब मुझे लगा दैट द आउल वॉज ऑल बेटर टू फ्लाई, यानी कि जो वो बेबी आउल है वो उड़ने को तैयार है। आई ब्रॉट इट टू द फ्रंट गेट एंड रिलीज इट, और फिर मैं उसे अपने घर के सामने वाले गेट की तरफ से लेके गया और उसे उड़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी कहानी बना सकते हैं, ये एक मैंने बहुत छोटी सी कहानी बनाई थी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।